नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, कई जगह पर मैंने देखा कुछ दुष्ट लोगों ने कितने ही बसे बसाए घर उजाड़ दिए। एक लेडीज को मैं खुद जानती हूँ, उसने कभी अपने परिवार की, सास ससुर की कभी सेवा नहीं की, ससुराल को कभी उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये मेरा परिवार है। और उसी परिवार में एक दूसरी लेडीज, उसी परिवार का एक दूसरा लड़का जो पूरे परिवार को संभाल कर बैठा था, उस लेडीज ने उसकी वाइफ को इतना 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 अपनी सास की, अपनी ननंद की, देवरों की इतनी चुगली बताई कि उस औरत के दिमाग में इतना कचरा भर दिया कि उसने परिवार का साथ देना छोड़ दिया। वो लेडीज खुद तो साथ दे नहीं रही थी, वो अपने मायके में ही बिजी रहती थी, लेकिन जो लेडीज घर को संभालना चाहती थी उसके भी अंदर कुसंगत भर दी, बुरे विचार भर दिए, ताकि वो जो कर्म कर रही है उसमें उसका एक सहभागी हो जाए। और आप देखना, पाप कर्म करने वाले लोग दोस्तों, इनकी संख्या ज्यादा क्यों है, क्यों इनका ग्रुप बन जाता है? क्योंकि जो सही कर्म कर रहे हैं, जो लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, वो लोग ग्रुपबाजी नहीं करेंगे। उनका पूरा ध्यान अपने कर्मों पर होता है, भगवान पर उनका विश्वास होता है। लेकिन जितने भी दुष्ट लोग हैं, ये लोग, इनका कर्म ही है कि जो बुराई मेरे अंदर है उससे तो मैं तो फिक ही जाने वाला हूं, तो मैं क्या करूं, मेरे साथ एक और जोड़ीदार खड़ा कर लूं, दो हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे, तो हमारी मेजोरिटी होगी। कोई भी एक चीज को यदि 10 व्यक्ति खड़े होकर के बोलेंगे कि नहीं ये व्यक्ति खराब है खराब है, तो 11वें व्यक्ति को अपने आप लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति खराब होगा। और दुष्ट बुद्धि दोस्तों बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी ऐसे चलेगी, अच्छे खासे आदमी की इमेज डाउन कर देगी, बड़े बड़े षड्यंत्र रचा देगी अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करने। ऐसा कब होता है? ऐसी बुद्धि आपके अंदर कब आती है? क्यों सत्संग नहीं आता? क्यों आपके अंदर किसी का भला करने की इच्छा नहीं होती? अपना पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी को बर्बाद कर देने तक की बुद्धि आपके अंदर कौन देता है? राहु। जब आपके राहु खराब होते हैं उस व्यक्ति के अंदर, क्योंकि ये संसार में दोस्तों अच्छी शक्तियां भी घूम रही है और बुरी शक्तियां भी घूम रही है, दोनों को ही अपने काम सिद्ध करने हैं। जो शुद्ध आत्माएं हैं उनके पास अच्छी शक्तियां आती हैं और उनसे अच्छे 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 और अच्छे कर्म करवाती जाती हैं। जो दुर्जन हैं, जो सृष्टि के नियमों को नहीं पाल रहे हैं, जैसे परनिंदा कर रहे हैं, संयत्र कर रहे हैं, दोपहर 12 बजे तक बेड पर पड़े सो रहे हैं, घर के अंदर गंदगी फैला करके बैठे हैं, जो भी नियम पालने चाहिए धर्म कर्म के कोई नियम नहीं पालते हैं, ऐसे लोगों की बॉडी में दुष्ट आत्माएं आकर के अपना काम करके जाती हैं, है ना? दुष्ट लोग आप देखना, जो जिस कैटेगरी का है उसके साथ वैसे ही लोग रहते हैं। अगर वो उस कैटेगरी का नहीं है, उसके लक्षण उसके जैसे नहीं है, तो अमुक समय के बाद दोनों का रास्ता बदल जाता है। जो जैसा होता है उसकी उसी टाइप के लोगों के साथ ज्यादा बनती पड़ती है, क्योंकि वो दोनों दिमाग से एक होते हैं। तो राहु जब आपको परेशान करेगा, राहु जब आपके पास आएगा, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा। बुद्धि भ्रष्ट करके वो आपसे वो कर्म करवाएगा जिसका दंड देने के लिए शनि देव आएंगे। आज आप करो पाप, जिस दिन उसका भुगतान करना होगा उस दिन माथा पटक पटक करके इंसान रोता है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। आपने कभी अच्छा किया किसी के साथ? कैसे होगा? तो ऐसे में दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे द्वारा भी कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसको तुरंत स्टॉप करो, कुसंगत में बिल्कुल भी ना जाए। यदि कोई व्यक्ति किसी की परनिंदा करके, यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि आप उसको बर्बाद कर दो, आप उसका पैसा लूट लो, आप उसका मकान छीन लो,
आप इस व्यक्ति को घर से निकाल दो, आप इस व्यक्ति को परिवार से हटा दो, तुरंत उस व्यक्ति का साथ उसी समय छोड़ दो, बुरे कर्म मत करो, अपने धर्म पर खड़े रहो, आपको कोई उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो इंसान के अंदर तप है, जो अपने धर्म को सही समय पर निभाता है, उसे किसी उपाय की यूं भी जरूरत नहीं पड़ती। रोज नित्य कुलदेवी की पूजा करो, जो कुलदेवी का हिस्सा है उन्हें दो, पितरों का हिस्सा उन्हें दो, माता पिता की सेवा करो, भाई के प्रति बहन के प्रति जो आपका धर्म है उसे निभाओ। आज जमाना बदल गया है, लोग सिर्फ एक धर्म जानते हैं, कौन सा? पत्नी धर्म, पत्नी धर्म। बड़े दुख की बात है, अभी 7-8 दिन पहले ही एक व्यक्ति से मेरी बातचीत हो रही थी, वो अपनी पत्नी की इतनी अच्छाइयां बता रहा था, इतनी अच्छाइयां बता रहा था कि आपको वॉमिट हो जाए, क्योंकि उस पत्नी को मैं जानती हूं उसकी, और उसकी देवी जैसी माँ की वो चुगली कर रहा था। तो ये कर्म आपको कहां ले जाएंगे? अपने धर्म को पहचाने, आपको किसी कर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी सदैव आपके साथ रहेगी, सदैव भगवान की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। बहुत दंडित हो रहे हैं यदि आपने इस जन्म में, पिछले जिंदगी में, या आज की तारीख में भी, या पिछले जन्म में कोई भी कुकर्म किए हैं और उसका फल आप भोग रहे हैं, असहनीय हो रहा है सब कुछ, शरीर में तरह तरह की बीमारियां आ रही है, घर में पैसे टिक नहीं रहे हैं, घर में 4 लोग हैं, चारों घर से यहां वहां भागे पड़े हैं, 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग कमरे में पड़े हैं, किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, 2 लोग हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करना नहीं चाहते, हर व्यक्ति घर में अकेला है, यहां वहां मन भटक रहा है, क्या करें क्या नहीं करें, कोई भी काम होता नहीं दिखाई दे रहा है, मन बेचैन है, व्यग्र है। सबसे पहले अपने कर्म सुधारें, शनि देव को प्रसन्न करें, शनि मंदिर में जाएं हर शनिवार, शनि देव को तिल या सरसों का तेल अर्पित करें, दिल से वहां खड़े होकर के माफी मांगे, आपने जो भी कर्म किए हैं, बहन की चुगली की है, भाई का हक मारा है, माता पिता के प्रति जो आपका धर्म था आपने नहीं निभाया, पूजा पाठ से जन्मी शक्तियों का दुरुपयोग किया, जो भी किया है पूछे अपने आप से और दिल से माफी मांगे और अपने कर्मों को तुरंत सुधारे। बराबर। हनुमान जी के मंदिर में शनिवार के दिन जरूर जाए, हनुमान जी को चोला चढ़ाए, हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके जैसी ही शुद्ध और निश्चल भक्ति दे, पूरे संसार के प्रति मेरे अंदर नम्रता हो, किसी का मैं बुरा ना सोचो, ये भाव दे। हर शनिवार 2 रंग की गाय, गाय जिसके 2 कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसी गाय को आप रोटी खिलाएं सरसों के तेल की, रोटी गेहूं की रोटी के ऊपर सरसों का तेल लगाएं, और वो रोटी आप 2 कलर की जो गाय हो उसे शनिवार शनिवार खिलाना शुरू करें। आप देखेंगे कितनी भी बड़ी मुसीबत से आप गुजर रहे हैं आपको तुरंत फायदा दिखाई देगा, लेकिन फायदे भी दोस्तों तभी होंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, अपने कर्मों को सुधारें। मैंने कई लोगों को देखा, घर में एक व्यक्ति इतनी पूजा पाठ कर रहा है, पति कितनी पूजा पाठ कर रहा है, पत्नी पीठ पीछे लेकर के कैंची हर व्यक्ति को काट रही है, अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में इतना गलत काम कर रही है। अब पति पत्नी कुदरत ने उन्हें जोड़ा है, एक दूसरे के अच्छे बुरे कर्मों का फल उन्हें भुगतना है साथ में, तो परिवार के अंदर पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? जब एक व्यक्ति पॉजिटिविटी को डेवलप कर रहा है लेकिन दूसरे व्यक्ति वहीं पर नेगेटिविटी को डेवलप किए जा रहा है, या मैं यूं कहूं पत्नी इतना धर्म कर्म में मान रही है, इतनी पूजा पाठ कर रही है, लेकिन पति कंटिन्यू गलत काम किए जा रहा है,
तो कहां से उस घर में भला होगा। कर्मों को सुधारें और उपायों को भी करते रहे, व्रत उपवास अनुष्ठान उपाय सब करें, देखें जिंदगी कैसे नीचे मरती है, हर इच्छा पूरी होगी, करके देखें। हाँ, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का गलती से भी दोस्तों कॉन्टेक्ट ना करें, ये तमाम नंबर फ्रॉड लोगों के हैं, वो मेरा फोटो लगाते हैं और नंबर उनके डालते हैं। काफी हमारे जो नए नए व्यूवर्स आ रहे हैं उन्हें ये लोग लूट रहे हैं। प्लीज सावधान रहें लोगों से। जय श्री कृष्ण।